अल्लाह रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 क्लासिक्स साइंस चैप्टर नंबर 4 सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हमें जो ऑब्जेक्ट होते हैं ये किस किस चीज़ के बने होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट से क्या क्या चीज़ बनाई जाती है उसके बारे में हमको पढ़ना है। इससे पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे देश में बहुत तरह की वैरायटी खाने की पाई जाती है, और उससे पहले चैप्टर में हमने पढ़ा कि बहुत तरह के कपड़े पाए जाते हैं। तो उसी तरीके से बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो होते हैं हमारी डे टू डे लाइफ पाए जाते हैं। ठीक, अच्छा, देयर इज ए वास्ट वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट एवरीवेयर, मतलब कि हमारे चारों तरफ डिफरेंट डिफरेंट बहुत ही तरह तरह के वैरायटी के ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि आपके घरों में, किचन में, स्कूल में, सब जगह अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट, चीज़ें, वस्तुएं पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे आपके चेयर हो गया, बुलक कार्ट हो गई, बैलगाड़ी हो गई, साइकिल हो गई, कुकिंग यूटेंसिल, बुक्स, क्लॉथेस, टॉयज, वाटर स्टोन्स एंड मेनी अदर ऑब्जेक्ट। ऑल दीज ऑब्जेक्ट हैव डिफरेंट शेप, कलर एंड यूजेस। ये सारे ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट शेप के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं, और इनका डिफरेंट डिफरेंट यूज़ होता है। ठीक, और ये डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के बने होते हैं। ऑल ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड अप ऑफ वन आर मोर मटेरियल। तो ये जो मटेरियल होते हैं ये डिफरेंट, ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के होते हैं। जैसे सपोज दैट आप चेयर मान लेते हैं कि चेयर जो होता है ये एक ऑब्जेक्ट है। चेयर क्या है? चेयर एक ऑब्जेक्ट है। ठीक, ऑब्जेक्ट। अब ये चेयर जो होती है प्लास्टिक की भी बनी होती है ना? चेयर जो होती है वुड की बनी होती है। तो ये जो प्लास्टिक और ये वुड है ये इसके डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल हैं, मतलब कि ये डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से ये चेयर बनी हुई होती है। तो इसी तरीके से और भी जो सारे ऑब्जेक्ट होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के बने होते हैं। तो हमने एक चेयर का एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हैं। जैसे बाल्टी हो गई, बकेट, ये भी जो होती है बकेट आपकी इस शेप की होती है। ठीक, इसमें वाटर वगैरह भरा जाता है। तो ये आपकी जो है प्लास्टिक भी बनती है, आयरन की भी बनती है। ठीक, तो ये प्लास्टिक और आयरन ये मटेरियल है, और ये चेयर जो है ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, कोई वस्तु है, ये डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल की बनी है। तो वही कह रहा है कि ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, वो सारे ऑब्जेक्ट जो हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं, आर मेड अप ऑफ, वो बने होते हैं वन और मोर, एक या एक से अधिक मटेरियल्स के। तो जो हमारे चारों तरफ ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के बने होते हैं। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, जो डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स होती हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, वो भी डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के बने होते हैं। जैसे अ थिंग्स कैन बी मेड, एक कोई वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, वो बन सकता है फ्रॉम द सेम मटेरियल, एक ही मटेरियल से। जैसे मान लीजिए अ थिंग्स कैन बी मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल, जैसे बाल्टी है, ये आयरन से भी बन सकती है, लोहे से भी, प्लास्टिक से भी, है ना? तो इस तरीके से एक ही चीज़ दो मटेरियल से बनी है, और एक ही मटेरियल से कई ऑब्जेक्ट, कई वस्तु भी बने हो सकते हैं। तो इन सब बेस पर हम इस चैप्टर में जो कि सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप है, इस चैप्टर में शॉर्ट आउट करना है, माने कि ग्रुप बनाना है, इन ऑब्जेक्ट को ग्रुप में डिवाइड करना है, उनको डिवाइड करना है बेस में उनके बनावट के आधार पर। तो इस तरीके जो हम उसको अलग अलग करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तो उसे
किस बेस पर करते हैं? यहाँ पर दो डेफिनेशन आपको बताई जा रही है, क्लासिफिकेशन, मैंने इन ऑब्जेक्ट को जो क्लासिफाई किया गया है किस बेस पे किया गया है। तो क्लासिफिकेशन क्या हो गया, द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग, मीन्स कि ऐसी प्रोसेस जिसमें वस्तुओं को सॉर्ट आउट किया जाए और ग्रुप बनाया जाए। ग्रुपिंग थिंग्स अकॉर्डिंग टू द सम बेसिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। कुछ ऐसा बेस मान करके, जैसे ये हम बेस मान लेते हैं कोई वस्तु, हमें मान लीजिए किचन के ऑब्जेक्ट में से इस बेस पर ग्रुप बनाना है कि जो सारे किचन में सामान है वो जो प्लास्टिक के बने हुए हैं उनको एक ग्रुप में रखना है। तो प्लास्टिक के बने हुए चीज़ को हम एक ग्रुप में रख लेंगे, इसे कहेंगे कि हमने इसको एक ग्रुप बना लिया है। किस बेस पर? प्लास्टिक के बेस पर बने हुए पदार्थों के आधार पर, माने जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है वो प्लास्टिक का बना हुआ है। आपसे कहा जाए कि प्लास्टिक से बने हुए ऑब्जेक्ट को जो किचन में है उनको आप एक ग्रुप में बनाइए, तो आप में देखेंगे कि बहुत सारे डब्बे हो जाएंगे जिसमें मसाले वगैरह रखे जाते हैं, है ना। तो प्लास्टिक की चीज़ों को अलग कर देंगे। तो इसको किस बेस पर बनाया है हमने? उसके मटेरियल के बेस पर, मतलब कि वो किस मटेरियल का बना हुआ है, किसका बना हुआ है? प्लास्टिक का। तो द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग थिंग्स अकॉर्डिंग टू सेम बेसिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। तो अगर पूछा जाए आपसे कि व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन, तो आप ये डिफिनेशन लिख देंगे, ठीक। अब किस बेस पर उसको डिवाइड किया गया है ना, मान लें हम चीज़ों को अलग अलग कर दिए हैं, तो किस बेस पर अलग किए हैं? कि वो मटेरियल जिस चीज़ का बना है उस बेस पर अलग किए हैं, कि ट्रांसपेरेंसी के बेस पे किए हैं, कि और किसी बेस पर किए हैं? तो बेसिस ऑफ ग्रुपिंग, किस ग्रुप पे किया जाता है? वी कैन ग्रुप मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टी। तो चीज़ों को, थिंग्स को हम उनके मटेरियल के बेस पर, एक तो उसके किस मटेरियल का बना हुआ उस बेस पर ग्रुप बनाते हैं, और उनकी प्रॉपर्टी के बेस पर, कि इसकी क्या प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी अभी आगे हम बताएंगे क्या होता है। तो किस बेस पर चीज़ों को, थिंग्स को ग्रुप में बनाया जाता है, वो है सिमिलरिटीज एंड प्रॉपर्टीज़। इन दो बेसों पर थिंग्स को, वस्तुओं को, ऑब्जेक्ट को ग्रुप में बनाया जाता है, ठीक। अब आप देखेंगे कि हमारे क्लास में बहुत सारे ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनको हम एक ग्रुप में बना सकते हैं। आपके बुक में दिया हुआ है इस तरीके से, ये इसको आप ध्यान से देख लें, ये दिया हुआ है ऑब्जेक्ट अराउंड अस। हमारे चारों तरफ इतने सारे ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं, है ना, मोबाइल हो गया, सीडी हो गई, ग्लव हो गया, ग्लास हो गया, ये टूल्स हो गए, टॉयज हो गए, हैं ढेर सारी चीज़ें बनी हुई हैं। तो इन सब चीज़ को अगर हम कहें इनमें से कि आपको उस ऑब्जेक्ट को अलग करिए जो सिर्फ प्लास्टिक के बने हुए हैं, तो प्लास्टिक के बने हुए चीज़ों को हम अलग कर लेंगे। या अगर हम उसके शेप के आधार पर कहें, अगर ये कहें कि इसमें बने हुए जो सारे गोलाकार हैं, माने गोल हैं, उनका राउंड शेप है, उनको अलग करें, तो ये किस बेस पर हो जाएगा अलग करना? उनके शेप के आधार पर, गोले के आधार पर, है ना। अच्छा, अगर हम ये कहें कि आप इनको उस बेस पर अलग करें कि किस इसमें क्या चीज़ एडिबल है, क्या चीज़ खाने वाली है, कौन चीज़ खाने वाली नहीं है, तो ये दूसरा अलग ग्रुप बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम चीज़ों को ग्रुप में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये ग्रुप में बनाने का अलग अलग मेथड होता है कि हम किस बेस पर उसको ग्रुप में बनाते हैं, उसके शेप के आधार पर बनाते हैं, कि उसके कलर के आधार पर, कि उसकी प्रॉपर्टी के आधार पर। ये आपके बुक में कुछ बना हुआ फिगर, इसको आप जब आप ध्यान से देखेंगे तो इससे आप ग्रुप बना सकते हैं। अच्छा, अब आपके बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है, इस एक्टिविटी को हम लोग करके समझते हैं कि ये क्या कहने की कोशिश की जा रही है। ये एक्टिविटी है, एक्टिविटी फर्स्ट, लेट अस कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल फ्रॉम अराउंड अस, ईच ऑफ अस
could get some everyday object from home and we could also collect some object from the classroom or from outside of the school. तो इसमें हम उन चीज़ों को कलेक्ट करते हैं जो डेली लाइफ में हमें इस्तेमाल की जाती हैं, वो चीज़ें जो आपके घर में इस्तेमाल होती हैं और वो भी चीज़ें जो आपके क्लासरूम में इस्तेमाल होती हैं। तो क्या क्या चीज़ें हो सकती है, व्हाट विल वी हैव इन आवर कलेक्शन, तो अगर हम इन कलेक्शन को करें तो हमें उसमें क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं। अगर हम क्लास में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों को कलेक्ट करें तो चाक हो गई, पेंसिल हो गई, नोटबुक हो गई, रबर हो गया, डस्टर हो गया, हैमर हो गया, नेल हो गई, सोप हो गए, स्पोक ऑफ व्हील हो गई, बैट हो गए, ठीक। इन सारी चीज़ों को हम कलेक्ट करें और फिर और चीज़ें क्या हो सकती हैं, वो हो सकती हैं मैच बॉक्स, साल्ट, घर में अगर आपको चीज़ें कलेक्ट करना है तो मैच बॉक्स मतलब माचिस, साल्ट, नमक, पोटैटो सब्जी में होता है, इन सब चीज़ों को आप अलग इकट्ठा कर लें। अब कह रहा है वी कैन आल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट दैट वी कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट ब्रिंग टू द क्लासरूम। अब हम उन चीज़ों को भी इस लिस्ट में शामिल कर सकते हैं जो हम क्लास में नहीं ला सकते, बस वो होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वॉल, दीवार हो गई, ट्री, पेड़ हो गए, डोर हो गए, दरवाजे हो गए, ट्रैक्टर हो गए, रोड हो गए, इन सब चीज़ों को हम इसमें शामिल कर सकते हैं। अब कह रहा है सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट फ्राम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्राम पेपर आर वुड। अब ये जो सारी चीज़ें हमने इकट्ठा की है, अब उसको किस बेस पर हमें अलग करना है, बेस है अलग करने का, वो है ऐसी चीज़ें जो बनी हुई हैं पेपर से। एक ग्रुप बनाएं जो लकड़ी का बना हो, ठीक, दूसरा ग्रुप बनाएं जो पेपर का बना हो, पेपर ये दूसरा ग्रुप। तो कह रहा है कि दो ग्रुप बनाएं, वो ग्रुप जिसमें एक जो चीज़ें अभी हमने बनाए इकट्ठा की है वो उन सारी चीज़ों में ऐसे चीज़ों को एक ग्रुप में रखें जो वुड की बनी हो, लकड़ी की बनी हो, और दूसरे ग्रुप में उन चीज़ों को रखें जो पेपर की बनी हो, ठीक। ये दो ग्रुप बनाने को आपको किस बेस पर कह रहा है, उसकी बनावट के माने किस मटेरियल की बनी हुई है। तो सेपरेट ऑल दोज ऑब्जेक्ट फ्राम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्राम पेपर आर वुड। दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट इन टू टू ग्रुप। तो इस तरीके से जब हम ग्रुप बनाएंगे तो इनको दो ग्रुप बन जाएंगे, ठीक। टू ग्रुप, वन ग्रुप हैज द ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्राम पेपर। एक ग्रुप वो होगा जो कि उन चीज़ों का होगा जो कि पेपर से बना होगा, दूसरा ग्रुप वो होगा जो कि लकड़ी से बना होगा। इस तरीके से दो ग्रुप बना लेंगे। अच्छा, वाइल द अदर ग्रुप हैज द ऑब्जेक्ट दैट आर नॉट मेड ऑफ दिस मटेरियल, सिमिलरली वी कुड सेपरेट द थिंग्स दैट आर यूज फॉर प्रिपेयरिंग फूड। अब कह रहा है कि हम उन चीज़ों को भी इकट्ठा करें, बस एक ग्रुप में रख लें जो ना तो पेपर की बनी हो और जो ना लकड़ी की बनी हो, बल्कि वो क्या चीज़ हो, खाना बनाने में इस्तेमाल होती है, उनको एक ग्रुप में बना लें। मैंने किस बेस पर, खाना बनाने वाली चीज़ों के बेस पर अलग कर लें। लेट अस बी अ लिटिल मोर सिस्टमेटिक। अब हम उन चीज़ों को जो है थोड़ा सा सिस्टमेटिक कलेक्ट करते हैं। लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट कलेक्टेड इन टेबल 4.1। ये एक टेबल है, ये टेबल बना हुआ है 4.1, ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल दे आर मेड ऑफ। अब उन चीज़ों को हम उस बेस पर एक टेबल में रखते हैं कि वो ऑब्जेक्ट किस मटेरियल का बना हुआ है, सब्जेक्ट कि वो किस मटेरियल का बना हुआ है, कि लोहे का बना हुआ है, कि प्लास्टिक का बना हुआ है, कि और किसी चीज़ का बना हुआ है। तो कलेक्टर इंफॉर्मेशन अबाउट द मेनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल, इट मे सीम डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द मटेरियल आउट ऑफ विच सम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट आर मेड। इन सच केसेस डिस्कस विथ योर फ्रेंड, टीचर एंड पेरेंट टू आइडेंटिफाई द मटेरियल। तो अगर उन चीज़ों को जो आपने लिस्ट बनाई है, उन चीज़ों को किस मटेरियल की बनी हुई है
उसको अगर आप पहचान नहीं पा रहे हैं तो अपने टीचर से या अपने फ्रेंड से या अपने घर वालों से डिस्कस करके उसको समझ सकते हैं। ठीक, अच्छा, तो ये एक टेबल बनी हुई है, जैसे कि ये एक टेबल आपको दिखाई पड़ रही है, ये टेबल ऑब्जेक्ट एंड द मटेरियल दे आर मेड। तो एक एक कॉलम में ऑब्जेक्ट का नाम लिख दिया गया, जैसे प्लेट, थाली जिसे आप कहते हैं, है ना, थाली, ये किस चीज़ की बनी है, मटेरियल दे आर मेड। तो ये थाली जो होती है प्लेट की भी बनी, स्टील की भी बनी होती है, ग्लास की बनी होती है, प्लास्टिक की बनी होती है और अदर चीज़ों की बन सकती है। तो इस तरीके से आपको एक टेबल बना लेना है। पेन दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, पेन है, तो पेन प्लास्टिक की भी बनती है, मेटल्स की भी बनती है। इसी तरीके से आपको बकेट या बकेट के बजाय चेयर, इन सब चीज़ों को यहाँ पर कई और नाम लिख करके यहाँ पर किस चीज़ का वो किस मटेरियल का बना हो सकता है उसके आपके नाम लिखने हैं। तो ये आपको होमवर्क हो जाएगा, होमवर्क हो जाएगा ये, ठीक, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। तो आपको एक टेबल बना लेना है कि कुछ ऑब्जेक्ट के नाम लिख देने हैं, यहाँ लगभग 6 ऑब्जेक्ट के नाम लिखने हैं आपको। ये एक लिखा हुआ है, 2 3 4 5 6 अपनी तरफ से बढ़ा करके, और ये किस मटेरियल के बने हो सकते हैं इसको आपको पूरा करना है, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक, अच्छा, अब एक्टिविटी 2 देखें। एक्टिविटी 2 क्या कह रहा है कि इसमें आपको टेबल 4.2, एक टेबल इधर बना हुआ है आपके, ये 4.2 एक टेबल बना हुआ है, ये टेबल 4.2 ये बना हुआ है। तो इसको कह रहा है टेबल 4.2 लिस्ट सम कॉमन मटेरियल्स, यू कैन आल्सो ऐड मोर मटेरियल इन कॉलम फर्स्ट। इसमें उसने एक कॉलम बना दिया है और आपसे कहा है कि इसमें एक लिस्ट बनाइए, जो मटेरियल लिख ली, मटेरियल के नाम लिखे हुए हैं और आपको बताना है वो किस क्या 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 ऑब्जेक्ट उससे बन सकते हैं, ये बनाना है आपको। तो कैसे देखें, दैट आर नोन टू यू नो दैट ट्राई एंड थिंक ऑफ एवरीडे ऑब्जेक्ट यू नो दैट आर मेड मेनी ऑफ दिस मटेरियल एंड लिस्ट देम इन कॉलम सेकेंड। टेबल 4.2 में आपको बताया गया है कि डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट कैन मेड फ्राम द सेम मटेरियल, जैसे ये वुड, वुड एक मटेरियल है, इससे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बन सकती हैं, जैसे चेयर, टेबल, प्लो, प्लो कहते हैं हल को, बुलक कार्ट, बुलक कार्ट कहते हैं बैलगाड़ी को, एंड इट्स व्हील, और बुलक कार्ट की और गाड़ी की व्हील जो पहिया होती है ये लकड़ी की बनी होती है। ठीक, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इस मटेरियल से, ये जो वुड मटेरियल है, इससे डिफरेंट टाइप की ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। पेपर से, पेपर मतलब कागज़, इससे क्या क्या बन सकता है, बुक्स बन सकती है, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर, टॉयज, कैलेंडर एट्सेट्रा, ये सब चीज़ें इस पेपर से बन सकती हैं। तो एक तरफ आप मटेरियल के नाम लिख देंगे, इस तरीके से इसने 2 मटेरियल के नाम लिख दिए हैं आपको, लेदर, प्लास्टिक, काटन, और एक हम बढ़ा दे रहे हैं ग्लास। शीशा, शीशे से क्या क्या मटेरियल बनते हैं ये आपको इधर इस कॉलम में फिल करना है, ये भी आपका होमवर्क होगा, ये भी आपका होमवर्क होगा। ठीक, ये 2 होमवर्क आपके रहेंगे, इसको करके आपको भेजना रहेगा। आप बहुत आसान है, लेदर से जो चीज़ें बनती हैं उसके यहाँ नाम लिख देंगे, 2-3 नाम कम से कम, प्लास्टिक की जो चीज़ें बनते हैं यहाँ पर 2-3 नाम लिख देंगे, काटन की जो चीज़ बनती है वहाँ इसके 2-3 नाम, और ग्लास, शीशे से जो चीज़ें बनती हैं उनके 2-3 नाम यहाँ पर लिख देंगे आप। ठीक, इस तरीके से ये टेबल आपकी तैयार हो जाएगी बहुत आसानी से, और आप देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से डिफरेंट डिफरेंट
चीज़ें बनती हैं। ओके अच्छा, दैट वी फाइंड दैट, तो जब आप ये बनाएंगे तो आप देखेंगे दैट वी फाइंड फ्राम दीज टेबल्स, तो इन दोनों टेबल्स के इस टेबल से और इस टेबल से जब आप बनाएंगे तो आप पाएंगे, फर्स्ट क्या पाएंगे, वी ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट इन मेनी डिफरेंट वेज, तो इनको हम डिफरेंट वेज में ग्रुप डिफरेंट ग्रुप में डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं। वी देन फाउंड दैट ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, तो हमारे चारों तरफ जो ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के बने होते हैं, ये भी आपको पता चलेगा। एट टाइम, उसी समय एन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ अ सिंगल मटेरियल, एक एन ऑब्जेक्ट जो होता है एक सिंगल मटेरियल का भी बना हो सकता है। एन ऑब्जेक्ट कुड आल्सो बी मेड ऑफ मेनी मटेरियल, और डिफरेंट मटेरियल भी बने हो सकते हैं। एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज फॉर मेकिंग मेनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट, और ये भी कह रहा है कि अगेन वन मटेरियल, एक ही मटेरियल कुड बी यूज इस्तेमाल हो सकता है फॉर मेकिंग मेनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट, मतलब प्लास्टिक या आयरन या लेदर या कॉटन या ग्लास या पेपर या वुड, ये सब मटेरियल है, इससे डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल बन सकते हैं। इस टेबल को जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, यही कह रहा है कि देन वन मटेरियल कुड बी यूज फॉर मेकिंग मेनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट, व्हाट डिसाइड्स विच मटेरियल शुड बी यूज, और जब आप टेबल बनाएंगे तो आप ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा मटेरियल से कौन चीज़ की कौन सा ऑब्जेक्ट बनाया जाए, तो फॉर मेकिंग एनी गिवन ऑब्जेक्ट। इट सीम दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटेरियल, अब जब आप इसको बना लेंगे और ये सारी टेबल बना लेंगे और इसके बारे में स्टडी कर लेंगे, देख लेंगे ध्यान से, तो आप इसके और अदर प्रॉपर्टी के बारे में, और हम इसके बारे में आगे इसके बारे में अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक, तो इस वीडियो में यहाँ तक ही रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल बताएंगे कि जब ये मटेरियल होते बने होते हैं ये किसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रहेगा, और इसको आप ध्यान से पढ़िएगा और बुक भी पढ़ा करें आप लोग, बुक मिला करके, और पहले तो आप वीडियो देख लिया करें, इसके बाद जो है बुक पढ़ा करें, दोनों में मैच कराया करें, जो डिफ़िकल्ट वर्ड हो रहा करें उनको पढ़ा करें, ना समझ में आए तो हमसे उसको पूछा करें व्हाट्सएप पे या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जिससे भी आपको हो सके। ठीक, जो वर्ड आप ना पढ़ सकें उस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन हमसे पूछ लिया करें। ओके ठीक।